फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही कम तेल का नाश्ता, जो खाने में तो टेस्टी लगेगा ही, इसमें पिज़्ज़ा का भी स्वाद आएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, इसी कटोरी से एक कटोरी बेसन लिए हैं बाउल में। तो ये फ्रेंड्स छाना हुआ बेसन है, अच्छे से छान लिए हैं। तो आज हम नाश्ता बनाएंगे ये मुरमुरे से, लाई जिसको कहते हैं, तो हमारे यहाँ लाई भी बोलते हैं इसको। तो इसी से नाश्ता हम बनाएंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा फ्रेंड। तो इसको भी हम साइड रखते हैं। तो इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ती, और नमक डाल रहे हैं तो थोड़ा सा डालेंगे, और कलर के लिए हल्दी पाउडर। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से हम बैटर तैयार कर लिए हैं, इतना पतला है। अब इसमें हम डालेंगे लाई, और इसको हम इसी तरह मिला लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह मिला लिए हैं इस तरह से, और इसको हम रख देंगे साइड। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम पनीर ले लिए हैं, तो इसको हम ग्रेट करेंगे कद्दूकस पे, इसको हम ग्रेट कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ग्रेट कर लिए हैं, तो ये मान के चलिए 100 ग्राम पनीर लिए हैं, ये घर का पनीर है। तो इसमें हम सब्जियां डालेंगे, तो एक प्याज है, धनिया पत्ती कटा हुआ है, शिमला मिर्च छोटा छोटा काटे हैं, एक टमाटर, तो आपके पास गाजर हो गाजर भी डालिए, इस वक्त मेरे पास नहीं है, हम नहीं डाल रहे हैं। तो ये सारी सब्जियां हम डाल देंगे। हरा मिर्चा 2 से 3 हम डाल दे रहे हैं काट कर। पिज्ज़ा जैसा फ्लेवर आए, काफ़ी टेस्टी लगे, इसलिए पिज्ज़ा ऑरिगेनो डाल रहे हैं 1/2 चम्मच, और ये है इटालियन सीजनिंग 1/2 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा रेड चिल्ली फ्लेक्स डाल रहे हैं, 1/2 चम्मच से कम, और खूब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई अभी गैस नहीं जलाए हैं, और कढ़ाई में हम इस तरह से तेल लगा देंगे चारों तरफ से। अब इसमें हम डाल रहे हैं सफ़ेद तिल। अब इसमें हम डालेंगे ये जो लाई वाला बैटर बनाए हैं, उसको डाल देंगे, और इस तरह से पूरा फैला लेंगे। अब इसके ऊपर हम ये स्टफिंग जो बनाए हैं ना, इसको हम रखेंगे इस तरह से। अच्छी तरह से इस तरह से सेट कर दिए हैं, और गैस को हम जला दिए हैं फ्रेंड्स। अब इसके ऊपर हम फिर से बैटर डालेंगे इस तरह से। और ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से कवर कर दिए हैं चारों तरफ से, और इसको हम लीड लगा देंगे, और धीमी आंच में इसको हम पकने देंगे अच्छी तरह से। और ये देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ से कढ़ाई छोड़ दिया है, तो इसको हम इस तरह से रख कर पलट लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आया है। तो इसको हम फिर से इस तरह कढ़ाई में रखेंगे, और इधर के भी साइड थोड़ा सा हम ऐसे सफ़ेद तिल डाल देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम डाल दिए हैं, और साइड साइड से ऐसे थोड़ा सा तेल डाल देंगे कि उधर के भी साइड इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो इसको अब इसी तरह हम सिकने देंगे, ढकेंगे नहीं, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, ऊपर क्रंची रहता है तो ही टेस्ट अच्छा आता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरे साइड भी हो चुका है, इसको अभी हम पलट कर दिखाते हैं। और ये देखिए, दूसरे साइड भी कितनी अच्छी तरह से सिक चुका है, ये देखिए कितना अच्छा और बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट भी बना हुआ है फ्रेंड्स, जाली देख रहे हैं।
अभी गर्म है। इधर छोटा छोटा जाली देख रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा सॉफ्ट भी बना हुआ है। तो इसको कट करते हैं, ये देखिए इसको हम काट ले रहे हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा हमारा पिज़्ज़ा केक तैयार हुआ है। ये देखिए कितनी अच्छी से स्टफिंग दिख रही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये रेसिपी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है ना, तो अंदर से काफ़ी सॉफ्ट रहता है और ऊपर से देखिए कुरकुरा है, तो ये हम मुरमुरे का बना है ना, तो ऊपर से खूब क्रिस्पी रहता है। ये देखिए आवाज़, तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बना है, अंदर से सॉफ्ट। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा है, पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। थोड़ा सा भी पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।